नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी हाई कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2018 के बारे में, जो कि अभी अभी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जैसे कि आवेदन की आरम्भ तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि, इसकी फीस क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, पोस्टिंग कितनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। दोस्तों, इन सभी की जानकारी की हम इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आवेदन की आरंभ तिथि की। दोस्तों, यह फॉर्म ऑनलाइन 13 नवंबर 2018 से फिलअप होने लगेंगे, यानी कि आप 13 नवंबर 2 से फॉर्म इसके फिल कर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि रहेगी 14 दिसंबर 2018, ठीक है। यानी कि आप 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फीस की बात करें दोस्तों, इसकी फ़ीस रहेगी आपकी जनरल और ओबीसी वालों की 1,000 रुपये रहेगी। कौन कौन सी? जनरल ओबीसी वालों की 1,000 रुपये रहेगी और SC ST वालों और फीमेल की 800 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आयुष की, आयु सीमा की। दोस्तों, आयु सीमा जो 1 नवंबर 2018 तक 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए हर कैंडिडेट की, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पद संख्या की। दोस्तों, पद संख्या टोटल 49 हैं, ठीक है, कितनी है, 49 पोस्ट हैं। ये भी डिवाइडेड हैं किन किन में, जैसे कि जनरल के लिए 25, OBC के लिए 7, SC के लिए 8 और ST के लिए 9 पोस्टें निर्धारित की गई हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों शैक्षण योग्यता की। दोस्तों, शैक्षण योग्यता है ग्रेजुएट पास होना तो अनिवार्य है, इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग ज्ञान भी होना चाहिए और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। यानी कि इसकी शैक्षण योग्यता है ग्रेजुएट होने होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आवेदक प्रक्रिया के बारे में, आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों, आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं 14 दिसंबर 2018 के पहले तक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चयन प्रक्रिया के। दोस्तों, आवेदक का चयन लिखित ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपका जो भी रिटर्न टेस्ट होगा, जो मॉक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट के अनुसार। दोस्तों, यह वीडियो की जानकारी यहीं पर अब समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।